today is the day 2 of our 7 days of tinkering organized by Spectrum CETP. Today we are gonna looking into analog signals. So what are analog signals, right? तो आपके जितने भी फिजिकल परसेप्शन होते हैं लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, आप कितने हीट फील कर रहे हो, राइट, तो उस सभी को आप एनालॉग सिग्नल्स में बोल सकते हो या फिर एक्चुअल में वो एनालॉग सिग्नल्स ही होते हैं, राइट. टू टाइप के सिग्नल्स होते हैं, डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल्स. तो डिजिटल सिग्नल यानी मैंने एक पिछले वीडियो में आपको बताया था कि डिजिटल सिग्नल होते हैं या तो वन या तो ज़ीरो, या तो हाई या तो लो, और जीरो वोल्ट एंड फाइव वोल्ट, या फिर आपका मैक्स वोल्ट जितना है, जीरो वोल्ट एंड ट्वेल्व वोल्ट. ओके, जितना अगर आपका मैक्स वोल्ट सप्लाई ट्वेल्व वोल्ट है. तो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं जो कि आपके फिजिकल परसेप्शन में आते हैं. फिजिकल परसेप्शन यानी आपको किसी ने पिंच किया, राइट, तो आप वहाँ पे कितना प्रेशर फील कर रहे हो. आप वो नहीं बोलोगे कि मैं प्रेशर फील कर रहा हूँ, फिर प्रेशर फील नहीं कर रहा हूँ, आप ये बोलोगे कि मैं कितना प्रेशर फील कर रहा हूँ. तो यहाँ पे जो कितना आ रहा है, आप एक मेजर वैल्यू डाल रहे हो. मेजर्ड वैल्यू यानी कि जैसे आप 435 पास्कल, ठीक है, प्रेशर 20 पास्कल प्रेशर, ठीक है, हीट कितना है 45 डिग्री सेल्सियस हीट है, 27 डिग्री सेल्सियस हीट है, राइट, 45 फ़ारेनहाइट है, ठीक है. तो ये सारे जो आप हम वैल्यूज़ दे रहे हैं, राइट, जो कि जीरो और वन नहीं है, लेकिन ये सारे वैल्यूज़ हैं, एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ जो हम देते हैं वो हो जाते हैं एनालॉग सिग्नल्स में, राइट. ये एक तरीके का साइन, कंटिन्यूस वेव्स होते हैं, कंटिन्यूस सिग्नल होते हैं, जस्ट लाइक अवर साइन एंड कोसाइन वेव्स, राइट. तो कैलकुलेशन देख लेते हैं, हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या होता है, ठीक है. हम पहले तो हमने जान लिया कि ठीक है, हम आर्डिनो बोर्ड को यूज़ करते हुए एनालॉग को रीड कर सकते हैं, एनालॉग सिग्नल्स को रीड कर सकते हैं, राइट. तो वो किस तरीके से करेंगे एनालॉग सिग्नल्स को रीड, वो हम देखते हैं, ठीक है. तो उसके लिए एक थोड़ा छोटा सा कैलकुलेशन लगता है, आप वो देख लो. उसमें होता क्या है कि ये देख लो, आप थोड़ा सा छोटा सा कैलकुलेशन है, आप समझ लो थोड़ा, ठीक है. तो इसमें होता क्या है कि मतलब हमारा जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के लिए एक आईसी आता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट आता है, उसको बोलते हैं हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, राइट. तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर करेगा क्या, उसका काम क्या होता है कि वो एनालॉग सिग्नल्स को लेगा, राइट, वो एनालॉग सिग्नल्स को लेगा, फिर वो कुछ सैम्पलिंग प्रोवाइड करेगा एनालॉग सिग्नल्स को, मतलब वो काट देगा बीच से, क्योंकि वो कंटिन्यूस सिग्नल होते हैं ना, तो उनको रीड करने के लिए वो क्या करेगा, बीच से काट देगा सपोज, ठीक है, वो कट 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 कर काट देगा, सैम्पलिंग उसको बोलते हैं, ठीक है, आप हिंदी में समझ लो अच्छे से ईजिली, ठीक है. तो कट 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 करके बीच से काट देगा, ठीक है, और उसको ना अपने उसके पास 10 बिट का रिजोल्यूशन होता है. आर्डिनो में जो हमको मिलता है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, उसका 10 बिट का रिजोल्यूशन होता है. उसका मतलब क्या होता है कि वो 2 to the power 10, मतलब 1024 मैक्स नंबर तक वो डिफाइन कर पाएगा, ठीक है. तो उसको हम कैसे मतलब देख सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ. तो अगर हमारा आर्डिनो में देखें तो क्या होता है, आर्डिनो एक डिजिटल बोर्ड है, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है. तो उसको कैसे करेंगे, उसमें होता है इनिशियल वैल्यू जीरो, लिस्ट वैल्यू जीरो, और मैक्स वोल्टेज कितना होता है 5 वोल्ट तक ले सकते हैं आर्डिनो में, ठीक है, जीरो वन या फिर हाई लो हाई, ठीक है, लो हाई जीरो वन या फिर जीरो एंड फाइव वोल्ट, ठीक है, जिसको हम कुछ भी बोल सकते हैं अपने डिजिटल लैंग्वेज में, राइट. लेकिन हम जब एनालॉग सिग्नल को हम डालेंगे इसमें रीड करना चाहते हैं, तो एडीसी जब एनालॉग सिग्नल्स को रीड करेगा कुछ सैम्पलिंग प्रोवाइड कराएगा, जो कि मैंने बोला 10 बिट का रिजोल्यूशन से प्रोवाइड कराएगा, राइट. तो 10 बिट का रिजोल्यूशन मतलब क्या समझ रहे हो, 10 बिट रिजोल्यूशन मतलब 2 to the power 10, यानी कि 1024 सैम्पलिंग वो प्रोवाइड करवाएगा. मतलब क्या है, वो 0 से 5 वोल्ट के बीच में जितने भी वैल्यूज हैं उनको वो 1024 तक मतलब ले जाना चाहेगा. वो क्या करेगा, वो हम देखो, हम एनालॉग सिग्नल्स को पढ़ नहीं सकते हैं. आप कभी गर्मी को पढ़ सकते हो क्या, नहीं ना. आपका गर्मी को देख सकते हो, नहीं ना. आप प्रेशर देख सकते हो, नहीं देख सकते. आप फील कर सकते हो उसको, ठीक है, लेकिन हमको वहाँ पे हमको रीड करना है. वो ह्यूमन रीडेबल, वो मेजरमेंट्स जो होते हैं ह्यूमन रीडेबल नहीं होते, राइट. तो ह्यूमन रीडेबल क्या मेजरमेंट्स होते हैं, आप किसी भी रेंज ऑफ वैल्यूज को आप अगर कैलकुलेट बोल सकते हो तो वो क्या होते हैं, ह्यूमन रीडेबल होते हैं, ठीक है. तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखो, ये क्या करेगा एडीसी, वो क्या करेगा, सैम्पलिंग प्रोवाइड करेगा 2 to the power 10, दैट इज 1024, ठीक है. तो क्या करेगा, 0 से लेकर 5 वोल्ट, यहाँ पे तो कुछ होगा ना गैप, जो कि 0.2 वोल्ट होगा, 2.5, 2.3, 2.8, 4.5, 4.9, जितने भी वोल्टेज यहाँ पे है उन सबको ये क्या करेगा, नंबर से डेडिकेट कर देगा, ठीक है, 0 लिस्ट वैल्यू एंड 1023 मैक्स वैल्यू, ठीक है. तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो, क्लियर हो जाओगे. तो सपोज एक सेंसर है जो कि एनालॉग सेंसर है, जो कि एनालॉग सिग्नल रीड कर रहा है, ठीक है. तो वो क्या करेगा, वो वैल्यू दे रहा है आर्डिनो के एनालॉग पिन में 434, ठीक है. तो हम 434 रीड कर पा रहे हैं एनालॉग पिन में हमारा आर्डिनो में, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा,
कि हम क्या जानेंगे कि 1434 यहाँ कहीं आ रहा होगा, ठीक है, इस जगह पे कहीं पे आ रहा होगा 434 एनालॉग रीड में, ठीक है। तो इस जगह का जो वैल्यू है ये एक्चुअल में हमारे रियल लाइफ वोल्टेज में क्या रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हमारे आर्डिनो में तो 0 एंड 5 वोल्ट है ना, हम वोल्टेज पे काम कर रहे हैं, तो कौन सा वोल्ट पे मतलब कौन सा वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो कैसे जानेंगे, वहाँ पे सिंपल सा एक बेसिक फॉर्मूला डाल दो, ठीक है, कि मैक्स वोल्टेज ऑफ द बोर्ड, ठीक है, मैक्स वोल्टेज ऑफ द आईसी, सॉरी हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है मैक्स वोल्टेज उसका, तो हम 5 वोल्ट मैक्स है हमारा आर्डिनो के लिए, ठीक है, तो मैक्स 5 वोल्ट, ठीक है, इनटू हमारा जो एनालॉग रीड हो रहा है, इनटू एनालॉग रीड डेटा मैक्स वोल्टेज, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैक्स वोल्टेज इनटू एनालॉग रीड डेटा डिवाइडेड बाय मैक्स सैम्पलिंग आउटपुट कैन बी प्रोवाइडेड, ठीक है। तो जो मैक्स सैम्पलिंग आउटपुट यहाँ पे क्या है, 1023 है, ठीक है, 0 से 1023 कितने वैल्यूज हो गए, 1024, लेकिन यहाँ पे जो मैक्स वैल्यू कितना है 1023, तो इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये जो आउटपुट आ रहा है कितना आएगा इसका, 2.12 वोल्ट, ठीक है। तो 2.12 वोल्ट मतलब क्या समझ रहे हो, कि 2.12 जो है, अगर यहाँ पे हम 434 को एनालॉग रीड में आ रहा है हमारा, तो उसका रियल लाइफ रिप्रेजेंटेशन वोल्टेज कितना हो जाएगा, रियल लाइफ रिप्रेजेंटेशन वोल्टेज यहाँ पे हो जाएगा 2.12 वोल्ट आ रहा होगा, ठीक है। एक पोटेंशियोमीटर का एग्जांपल लेते हैं। पोटेंशियोमीटर क्या करता है, ये भी एक एनालॉग सिग्नल आपको दे सकता है, ठीक है, एनालॉग सिग्नल इन द सेंस ये एक रेंज ऑफ वैल्यूज आपको दे देगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल रेजिस्टर, पोटेंशियोमीटर और पॉट भी इसको बोलते हैं। तो इनका मैक्स कॉमनली इनका 3 पिंस होते हैं, राइट। तो 3 पिंस किस तरीके से काम करते हैं, ये देखो आप, 3 पिंस किस तरीके से काम करते हैं, पिन 1, पिन 3 एंड पिन 2। पिन टू मतलब जो बीच वाला पिन होता है, आप किसी भी तरीके का पोटेंशियोमीटर ले लो, उसका बीच का पिन को हम वाइपर पिन बोलते हैं। वाइपर पिन मतलब क्या, एक पोटेंशियोमीटर एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, राइट। तो वेरिएबल रजिस्टर मतलब क्या समझ रहे हो, एक रजिस्टर तो है ही, ठीक है। तो रजिस्टर में पोलैरिटी तो डिफाइन नहीं होता है, तो आप कहीं भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव लगा दो, ठीक है, +5 वोल्ट 0 वोल्ट लगा दो कहीं पे भी, ठीक है। तो ये इसका बीच का जो वैल्यू आएगा, वाइपर जैसे ही टर्न होगा तो बीच का जो रेजिस्टेंस वैल्यू आएगा, ठीक है, बीच का जो रेजिस्टेंस के बाद जो वोल्टेज बचा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ये वोल्टेज जो बचा होगा यहाँ पे आएगा, वाइपर आउटपुट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो वाइपर में हमारा जो बचा हुआ वोल्टेज आएगा जब हम रेजिस्टेंस चेंज करेंगे, तो जैसे ही आएगा यहाँ पे देखो डायग्राम में, जैसे ही वाइपर टर्न होगा, तो इसके हिसाब से वेरिएबल, आप जानते हो कि रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ चेंज होगा इसका, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट चेंज होगा, तो ये इस दोनों पॉइंट के बीच में जो क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप रहेगा यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो वाइपर क्या होता है, एक रेंज ऑफ वैल्यूज आपको देंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसका कोड कैसे करेंगे। तो पोटेंशियोमीटर को हम कनेक्ट करेंगे अपना आर्डिनो के साथ, उसके बाद उसको कोड देखते हैं पहले। तो एक सेंसर वैल्यू ले जाओ, मतलब एक वेरिएबल ले जाओ सेंसर वैल्यू करके, इंटीजर टाइप का, जिसको मैं 0 वैल्यू दे दो, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, वॉइड सेटअप में आ जाओ। वॉइड सेटअप में क्या हो जाएगा, पूरे प्रोग्राम में वॉइड सेटअप सिर्फ सबसे पहले स्टक करेगा वॉइड सेटअप में, एंड सबसे सिर्फ एक बार ही रन करेगा, ठीक है। सबसे पहले स्टक करेगा वॉइड सेटअप में, और सिर्फ ये कोड जो है एक बार ही रन करेगा वॉइड सेटअप के अंदर वाला, राइट। तो इसको हम पिन मोड दे देंगे। पिन मोड कौन सा, पिन पिन नंबर A1, ठीक है, A1 मतलब एनालॉग पिन का 1 नंबर, ठीक है। और कौन सा टाइप में होना चाहिए, इनपुट, क्योंकि हम एनालॉग पिन से रीड करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, सीरियल डॉट बिगिन। सीरियल डॉट बिगिन जो होता है इसका, ये इनबिल्ट फंक्शन होता है। सीरियल डॉट बिगिन मतलब क्या हो जाएगा, कि आप बता रहे हो कि मतलब मेरे को जो आउटपुट चाहिए मेरे को सीरियल मॉनिटर में चाहिए, ठीक है। वो देखेंगे सीरियल मॉनिटर कैसे यूज करते हैं, सब इसमें देखेंगे, ईजी है ये बहुत, ठीक है। तो ये बॉड रेट आप सेट कर रहे हो, 9600 जो है बॉड रेट है। बॉड रेट मतलब क्या, कि अगर आप किसी से भी कम्युनिकेशन करना चाहते हो, ठीक है, तो इन जनरल सेंस आप किसी से बात करते हो तो आप बोलते रहोगे और सामने वाले बोलते रहेगा, तो कम्युनिकेशन क्या वैल्यूएबल कम्युनिकेशन है, नहीं, ये वैल्यूएबल कम्युनिकेशन नहीं है। तो वैल्यूएबल कम्युनिकेशन मतलब क्या समझते हो, कि आप बोल रहे हो फिर आप रुक रहे हो, फिर सामने वाला बोल रहा है वो रुक रहा है, फिर तो आप बोल रहे हो, ठीक है। तो क्या होता है, एक मतलब सेंस ऑफ कम्युनिकेशन बन जाता है, ठीक है। आप बात कर सकते हो, समझ सकते हो दूसरे को, तो आप इसको वैल्यूएबल कम्युनिकेशन बोलोगे, ठीक है। तो वैल्यूएबल कम्युनिकेशन मतलब क्या, कि एक रेट में आप बात कर रहे हो, ठीक है, आप बोल रहे हो, आप रुक रहे हो, फिर सामने वाले को आप बोलने का मौका दे रहे हो, राइट। तो इसको बोलते हैं यहाँ पे डिजिटल टर्म्स में, इसको बोलते हैं बॉड रेट, ठीक है। तो सीरियल कम्युनिकेशन मतलब क्या, कि आपका जो आर्डिनो है सीरियल पोर्ट के थ्रू, जो आप डाटा केबल सीरियल पोर्ट लगाओगे अपने पीसी में, ठीक है, तो उसके थ्रू वो क्या करेगा, सीरियल पोर्ट के थ्रू वो बात करना चाहेगा आपका कंप्यूटर से, ठीक है।
तो उसके लिए आप क्या कम्युनिकेशन क्या बोलते हो बॉड रेट डिफाइन करोगे 9600, ठीक है, सीरियल डॉट बिगिन। जब भी आपको सीरियल कम्युनिकेशन यूज करना होगा तो आपको ये एक बार डिफाइन करना होगा, ठीक है, कि किस रेट मेरे को बात करना है। तो 9600 बेसिक कम्युनिकेशन रेट होता है, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो उसके बाद आता है वॉइड लूप। वॉइड लूप कंटिन्यूअस लूप में चलते रहेगा, ठीक है। तो पहले सेंसर वैल्यू, जो हम यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किए थे सेंसर वैल्यू, सेंसर वैल्यू क्या क्या करेंगे, इसको हम दे देंगे एनालॉग रीड। एनालॉग रीड क्या होता है, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि एनालॉग रीड से आप जो पिन डिफाइन करोगे उस पिन का एनालॉग वैल्यू आप रीड कर सकते हो। एनालॉग रीड पिन जो होते हैं वो एडीसी में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, इंटरनली आपका जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें, ठीक है। तो A0 पिन में हम उसको रीड करना चाहते हैं, सॉरी मैं यहाँ पे A1 ले गया हूँ, यहाँ A0 ले गया हूँ, आप यहाँ पे A1 दोनों सेमी पिन लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करो, serial.println मतलब क्या है, LN क्यों है, serial.print मतलब जो वैल्यू आप प्रिंट करना चाहते हो अपना सीरियल मॉनिटर में, राइट, और LN मतलब नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन में पहले प्रिंट करेगा एक वैल्यू, फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में एक वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, राइट। और फिर डिले मतलब 10 मिलीसेकंड के लिए प्रोग्राम को पॉज कर दो, यहाँ पे दिखाओ, फिर पॉज कर दो, फिर वैल्यू दिखाओ, फिर पॉज कर दो, फिर वैल्यू दिखाओ, ठीक है, ताकि हमको एक थोड़ा कॉन्स्टेंट वैल्यूज देखने मिल जाए, मतलब एक गैप में वैल्यूज देखने मिल जाए, ठीक है, इजिली। फिर यहाँ पे एंड ऑफ स्लाइड होता है, यहाँ पे इसका ये रहा हमारा, ये रहा हमारा पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो ये सर्किट देख लो एक बार, ये देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है टर्मिनल 1, ठीक है, ये देखो जूम करते हैं इसको, टर्मिनल 1, राइट। तो टर्मिनल 2 और ये टर्मिनल 1, वो फर्क नहीं पड़ता आप इसको टर्मिनल 1 बोलो या फिर इसको टर्मिनल 1 बोलो, राइट। तो दोनों में से किसी को भी आप टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 ले जाओ, बस वैल्यू जो है यहाँ पे आएगा, आपका आउटपुट जो वैल्यू है वाइपर में आएगा। देखो वाइपर लिखा हुआ है, वाइपर वैल्यू मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था वाइपर क्या होता है, ठीक है। तो वेरिएबल वोल्टेज आउटपुट यहाँ पे आएगा वाइपर में, राइट, इसका आउटपुट वोल्टेज। तो ये पिन मैंने बोला था कि आप किसी एक को आउटपुट ले जाओ, किसी एक को इनपुट ले जाओ, राइट। तो मैंने यहाँ पे इसको 5 वोल्ट लिया है, 5 वोल्ट इनपुट, और इसका जो ग्राउंड है, ग्राउंड ये टर्मिनल 1 को मैंने ग्राउंड कर दिया। आप टर्मिनल 1 को 5 वोल्ट ले जाओ, टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 में कोई डिफरेंस नहीं, आप किसी को भी 5 वोल्ट ले जाओ ऐसे, ठीक है, कोई भी पोलैरिटी यहाँ पे डिफरेंस नहीं होता यहाँ पे ऐसे। उसके बाद ये जो आउटपुट होगा, आउटपुट जो है यहाँ पे हमको जो डिफरेंशियल वोल्टेज रीडिंग मिलेगा वो यहाँ पे मैंने कहाँ पे कनेक्ट किया है, एनालॉग पिन नंबर A1, ठीक है, A1, राइट। और मेरे को इसको आउटपुट में देखना है, तो इसका कोड देख लो एक बार, कोड जो पिछले स्लाइड में था मैं वही बता रहा हूँ यहाँ पे सिंपल सा, ठीक है। तो ये जो आउटपुट वैल्यू है यहाँ पे आएगा आपका सेंसर वैल्यू में, आउटपुट वैल्यू यहाँ पे रीड करेगा एनालॉग रीड पिन नंबर A1, पिन मोड A1 को मैंने इनपुट लिया है, और सेंसर वैल्यू एनालॉग रीड जो है A1 में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, serial.println हर नेक्स्ट लाइन में आप क्या कर दो, सीरियल वैल्यू प्रिंट कर दो, और डिले 10 मिलीसेकंड, ठीक है, 10 मिलीसेकंड, ओके। तो देखते हैं इसको, स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं। ये रहा हमारा सीरियल मॉनिटर यहाँ पे नीचे में, इसको मेरा मुंडी को यहाँ पे सेट कर दो, देखो यहाँ भी 0 रीड कर रहा है, ठीक है, सीरियल मॉनिटर में डाटा अपडेट होने लगा है। अब जिस तरीके से मैं इसको घुमाता हूँ, देखो नीचे, देखो मैं जैसे जैसे इसको घुमा रहा हूँ, ठीक है, ये देखो जिस तरीके से घुमा रहा हूँ इस तरीके से उसका वैल्यू अपडेट हो रहा है। और मैक्स कहाँ तक जा सकता है, ये मैक्स जाएगा 1023। मैंने आपको बताया था एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर 10 बिट का रिजोल्यूशन देता है, तो इसलिए यहाँ पे 1023 वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है, अप टू 1023, ठीक है। 5 वोल्ट 0 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट का जो रेंज है वो रेंज को ये क्या करेगा, 0 से लेकर 1023 वैल्यू को फिलअप कर देगा, ओके। देखो कम कर रहा हूँ तो कम हो रहा है, राइट, ये देखो अब ये 0 हो गया, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी एनालॉग सेंसर को रीड कर सकते हो, आपको यूज करना होगा एनालॉग रीड फंक्शन और जो पिन नंबर आपने दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने एनालॉग का इनपुट देख लिया कि एनालॉग रीड कैसे करते हैं, राइट, तो एनालॉग राइट वैल्यू कैसे करते हैं। तो मैंने Day 1 में आपको सभी को बताया था कि एनालॉग राइट करने के लिए हम एनालॉग पिंस को यूज़ नहीं करेंगे, हम PWM डिजिटल पिंस में जो PWM पिंस हैं सिर्फ उन्हीं का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे उसको करने के लिए आप एक काम करो, पहला जो कोड था उसी के जैसा कोड है ये, ये क्या करेगा, पोटेंशियोमीटर का वैल्यू वो रीड करेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले गया है, सेंसर वैल्यू इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है जिसको इनिशियल वैल्यू 0 दे दिया ताकि कोई गार्बेज वैल्यू ना ले, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे
कि ये जो हमारा यहाँ पे देख रहे हो वॉइड सेटअप, वॉइड सेटअप में क्या हो जाएगा, पिन मोड को डिफाइन कर देंगे, जो एनालॉग जीरो पिन नंबर है उसको क्या कर दो, इनपुट की तरह ले जाओ, राइट। और पिन मोड नाइन मतलब जो है हमारा डिजिटल पिन नाइन नंबर है, ये क्या है, पीडब्ल्यूएम पिन है, राइट। तो पीडब्ल्यूएम पिन मतलब क्या समझ रहे हो, पीडब्ल्यूएम पिन मतलब कि वहाँ पे हम एनालॉग राइट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो पीडब्ल्यूएम एनालॉग राइट हो जाएगा, और उसको आउटपुट की तरह जहाँ पे हम एलईडी लगाएंगे उसको, या फिर कोई भी आउटपुट पेरिफेरल लगा हुआ तो उसको आउटपुट की तरह वहाँ ले जाओ, राइट। और सीरियल डॉट बिगिन, सीरियल डॉट बिगिन मतलब क्या है, सीरिययल कम्युनिकेशन कॉल कर दो 9600 बॉड रेट में, राइट। उसके बाद क्या कर दो, वॉइड लूप, वॉइड लूप में क्या हो जाएगा कि सेंसर वैल्यू, ये जो कंटिन्यूस लूप चलेगा, राइट। तो सेंसर वैल्यू एनालॉग रीड, एनालॉग ए नंबर सॉरी एनालॉग पिन नंबर जीरो, राइट। तो एनालॉग पिन नंबर जीरो को ये रीड करेगा, ये क्या करेगा, ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये क्या करेगा, एनालॉग का जो रीडिंग आएगा उसको क्या करेगा, सेंसर वेरिएबल में स्टोर कर देगा, राइट। फिर हम क्या कर रहे हैं, एनालॉग राइट, ये जो पार्ट देख रहे हो, ये पार्ट हमारा किस लिए यूज़ हुआ है, ये एनालॉग राइट करने के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। एनालॉग रीड कैसे करते हैं, पिन नंबर डालते हो, राइट। एनालॉग राइट कैसे करते हैं, पिन नंबर साथ में जो डेटा तुमको भेजना है, जितना जो वैल्यू भेजना है, राइट। 0 से 1024 वैल्यू होता है एनालॉग रीड में, और ध्यान रखने वाली बात ये है कि एनालॉग राइट में होता है 0 से 255 तक, राइट। एक्चुअल में हम राइट क्यों कहाँ से करते हैं, रीड तो हम तो एडीसी से कर रहे हैं, एडीसी क्या है, 10 बीट का है, राइट। तो 2 to the power 10 क्या हो जाएगा, 1023 हो जाएगा, ठीक है। 0 to 1023 हो जाएगा, मतलब 1024 वैल्यूज हो जाएंगे टोटल, राइट। लेकिन लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप एनालॉग राइट किससे करते हो, अपना माइक्रो कंट्रोलर का डिजिटल पिन से कर रहे हो, राइट। तो इसमें तो तुम एडीसी यूज़ नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए इसका हमारा माइक्रो कंट्रोलर कितना बिट का, 8 बिट का है, तो 2 to the power 8 कितना हो जाएगा, 256, राइट। तो तुम ना यहाँ पे 0 से 255 वैल्यूज तक ही भेज पाओगे एनालॉग राइट में, राइट। तो यहाँ पे क्या करोगे, एनालॉग राइट सिर्फ पिन नंबर और एनालॉग रीड, ठीक है। तो तुम यहाँ पे भले वो रीड करेगा 1024, राइट, लेकिन 1024 तक वैल्यू रीड करेगा, राइट। लेकिन ये सिर्फ लेगा कहाँ तक, ये हमारा एनालॉग राइट कितना तक लेगा, 0 to 255 तक लेगा, ठीक है। और सीरियल डॉट प्रिंट क्या कर रहा हूँ, सेंसर एक ऐसे स्टेटमेंट वहाँ प्रिंट कर देगा, उसके बाद सेंसर वैल्यू वहाँ प्रिंट कर देगा, और डिले नॉर्मल डिले जो मिली सेकंड का, 2 मिली सेकंड का डिले यहाँ डाल देंगे, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे इसका प्रोग्राम देख लो, पहले कोड देख लो, कोड तो वही था जो मैंने तुमको बताया, कोड वही है, राइट। अभी ये चल ही रहा है, इसको स्टॉप करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ पे पिन नंबर 9 है ना, पिन नंबर 9 का अगर जो सिंबल लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये पीडब्ल्यूएम पिन है, ठीक है। ये देखो 11 10 9 6 5 3, ये जो पिन्स है ना, ये 6 पिन्स जो है ये एनालॉग पिन्स है तुम्हारे, ठीक है। एनालॉग सॉरी पीडब्ल्यूएम पिन्स बोलते हैं इसको, पल्स विथ मॉड्यूलेशन, आगे पढ़ोगे कभी कॉलेज में जाओगे तो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैंने जो ट्रिमर है इसको ट्रिमर बोलो, पॉड बोलो, ठीक है, जो भी बोल लो, यहाँ क्लिक करो बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जो भी बोलो, पॉट बोलो, ट्रिमर बोलो, इसको हम कनेक्ट कर दिए इसमें, ठीक है। उसका ए नंबर, इसका क्या बोलते हैं, वाइपर कहाँ गया है, वाइपर पिन नंबर 0 में गया हुआ है, A0 एनालॉग रीड 0, ठीक है। ये सैम्पल्स रीड करेगा, एडीसी का काम है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है पीडब्ल्यूएम, ये माइक्रो कंट्रोलर का काम है। तो यहाँ पे कितना तक वैल्यू लेगा, 0 से 255 तक, मतलब टोटल 256 वैल्यूज लेगा ये, ठीक है। देखते हैं इसको रन करके क्या होता है, सीरियल में हमने इसको प्रिंट भी करवाया है तो वो भी देख लेंगे। कोड में जाओ, सीरियल देखो, सीरियल डाटा, सेंसर इज इक्वल टू 0, अभी 0 है। देखो जैसे जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ ब्राइटनेस ज़्यादा होता रहेगा, ठीक है। लाइक बल्ब का देखो, बल्ब का देखो ब्राइटनेस बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम उसको ज़्यादा कर रहा हूँ वैसे वैसे बल्ब का ब्राइटनेस बढ़ रहा है, देखो। यहाँ पे रीड होना शुरू हो गया, देखो ब्राइटनेस भी बढ़ गया, राइट। अब देखो ये मैक्सिमम में यहाँ ले जा रहा हूँ 256, ठीक है, ये 256 देगा, लेकिन ये सेंसर वैल्यू कितना रीड करेगा, 1024, देखना 1023, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, देखो आ गया 1023 रीड कर रहा है, लेकिन ये कितना वैल्यू आएगा, उससे ज़्यादा ब्राइटनेस बढ़ा नहीं ना, देखो नहीं बढ़ा, क्योंकि वहाँ पे 256 ही दे रहा है आउटपुट, लेकिन ये रीड कितना कर रहा है, 1023, ठीक है। ये धीरे धीरे कम होते जाएगा, सिमुलेशन स्लो होने का ना, थोड़ा स्लो धीरे धीरे रीड करेगा, ठीक है। देखो स्लो होने लगा, ठीक है, कम होने लगा, देखो 61 61 हो गया, ठीक है। ब्राइटनेस देखो कम हो गया।